42 लाख की लागत से बनी सड़क 3 महीने में उखड़ी, डीएम ने बैठाई जांच, ठेकेदार कार्रवाई के घेरे में। खबर चंदौली से है। यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में यूपी से बिहार को जोड़ने वाली सड़क जो सिंचाई विभाग के द्वारा संबंधित विभाग व ठेकेदार ने मिलकर बनाया और जिस सड़क को लाखों रुपये खर्च कर बनाया गया वो सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सड़क निर्माण के 3 महीने के भीतर ही सड़क की गिट्टी उखड़कर इधर उधर बिखरने लगी और बड़े बड़े गड्ढे सड़क में नजर आने लगे। आपको बता दें, चकिया तहसील क्षेत्र के बनरसिया कर्मनासा पुल से दाएं तरफ नहर के सर्विस रोड का नवीनीकरण लगभग 3-4 माह पूर्व अनुबंधित धनराशि 42 लाख रुपये खर्च कर 3 से 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया। ये सड़क चंद्रप्रभा प्रखंड डीडीयू नगर द्वारा बनवाया गया। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने देखा कि सड़क 3 माह के भीतर ही उखड़ने लगी और इसकी शिकायत उन्होंने डीएम और भास्कर से की। जब पूर्वांचल भास्कर की टीम मौके पर हकीकत जानने पहुंची तो वहां का नजारा भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रहा था। लाखों रुपए की लागत से बना सड़क 3 महीने में खराब हो गई। सड़क की गिट्टियां उखड़कर बिखर गई और बड़े बड़े गड्ढे सड़क में नजर आने लगे। इससे जाहिर होता है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी कितनी गहरी कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। विभाग के अधिकारी की लापरवाही के कारण ठेकेदार ने जमकर लूट खसोट की। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक सड़क की शिकायत को लेकर डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने जांच के आदेश दिए थे। ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि डीएम से शिकायत के बाद इस मामले में भी कार्रवाई होगी। यूपी से बिहार जाने में इस सड़क बनने से लोगों को सहूलियत होती, लेकिन कमीशन खोरी के चलते संबंधित विभाग व ठेकेदार ने सरकारी धन का या यूं कहे जनता गाड़ी कमाई से दिए गए टैक्स का बंदर बांट कर डाला। मामले को लेकर पूर्वांचल भास्कर की टीम ने शनिवार को जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे से सवाल किया तो जिलाधिकारी ने बताया कि मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, अभी तत्काल हम लोग जांच टीम बना के मौके का मुआयना कराएंगे। यदि किसी प्रकार से भी इस शिकायत की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारी व ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार का जीरो टॉलरेंस का अभियान चल रहा है और इसमें किसी भी की लापरवाही या संलिप्तता बर्दाश्त की नहीं जाएगी। सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच टीम क्या रिपोर्ट देती है और जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। बड़ी बात यह है कि सुदूर इलाके में जिला प्रशासन के न पहुँचने का फायदा भ्रष्टाचारी जमकर उठा रहे हैं और जमकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर लूट खसोट कर रहे हैं और इससे जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। चुनावी सीजन में इस प्रकार की चीज़ें सामने आने से कहीं न कहीं सत्तारूढ़ भाजपा पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि किस उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और खासकर चकिया विधायक कैलाश खरवार क्या करना, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा सरकारी धन का दुरुपयोग और गोलमाल हो रहा है, फिर भी उनके द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। अभी मेरे संज्ञान में आया है, अभी तत्काल हम लोग जांच टीम बना के मौके का मुआयना कराएंगे और यदि किसी प्रकार से भी इस प्रकार की इस शिकायत की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारी एवं संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे।